दोस्तों फाइनली मेरा मोनेटाइजेशन हो चुका है ऑन। और कितना दिन लगता है, कैसे मोनेटाइजेशन ऑन होता है, और गाइस 1000 व्यू पे कितना यूट्यूब पे करता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहना अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो या आप यूट्यूब पे काम करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे ऐसे माइथ हैं जो आपने अपने दिमाग में बना रखा है, वो सब मिथ आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे हुआ, लेट्स गो। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जैसे पता है जो अपना YouTube का रूल है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 40000 घंटे पूरे करने पड़ते हैं। गाइस 40000 घंटे बहुत लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं और बहुत लोग बहुत लेट करते हैं, ठीक है। गाइस मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखे थे जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जब मैंने धीरे 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 बहुत वीडियोस देख लिए तो मुझे कुछ चीज़ें उसमें से निकल के समझ में आई, ठीक है। तो मैं बाद में ये सब देखना बंद कर दिया, क्योंकि लोग कुछ भी बताते हैं, कुछ भी हो रहा है और आप भी ये सब वीडियो देखते होंगे कि 1000 किसी का 1 लाख पे $10, कोई बोलता होगा 1000 पे $2, कोई बोलता होगा 2000 पे $4, कोई बोलता होगा 1000 पे $10। तो ऐसे सब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ कोई भी रूल नहीं है कि आपको $1000 पे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। मेरे $1500 व्यू पे मुझे $2 मिला है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने पूरा देखा, मैं बहुत पहले ये वीडियो बना देता कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, क्योंकि अभी से 7 से 10 दिन पहले मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, और सिर्फ 12 दिन के अंदर अंदर मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था। और उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि क्योंकि मुझे जानना था कि इसमें कितना पैसा मिल रहा है, कितने व्यू से, क्योंकि यही व्यू वीडियोस है मैं बहुत पहले से देखते आ रहा था कि इतने व्यू पे इतना पैसा, इतने व्यू पे इतना पैसा। तो वो चीज़ मुझे देखनी थी कि ये रियली कितने व्यू पे कितना पैसा देता है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताता हूँ कि 1500 व्यू पे $2 मिला। तो अब ये जो बात इसमें से निकल के आ रही है, बात ये है कि गाइज YouTube आपको कभी नहीं बोलता कि इतने व्यू पे इतना पैसा आपको देगा, ठीक है। और यही चीज़ है कि आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, वहाँ आपको बताता है कि इतने व्यू पे इतना पैसा, इतने व्यू पे इतना पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके वीडियोस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वीडियो बना रहे हो, किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको वीडियो आएगा। अगर इस समय मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा एड जो इंडिया में चल रहे हो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों के चल रहे हैं। तो अगर आप खाने पे बनाते हो या इन चीज़ों की बात करते हो, तो भर भर के आपको ऐड मिलेगा, भर भर के आपको ऐड आएगा, क्योंकि वो करते हैं टारगेट मार्केटिंग। तो उस टाइप के वीडियोस पे आपको आराम से एड्स मिलेंगे, तो उस पे आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है। एक चीज़ और है जो बिटकॉइन है, उसका ऐड बहुत ज़्यादा चलता है। तो अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो बनाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मतलब टेक्निकल चीज़ें, अगर आप टेक्निकल चीज़ें के ऊपर जाते हो और टेक्निकल चीज़ों को सच में बताते हो अपने वीडियो पे, तो आपको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। ज़रूरत नहीं है कि आपको 1000-2000 पे ही $1 मिले व्यू पे, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। आपको 100 व्यू पे भी $1 मिल सकता है। हाँ गाइस, ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 100 व्यू पे भी आपको $1 मिल सकता है, सिर्फ 100 व्यू पे भी। और ये हुआ है गाइस, और ये हो रहा है। आप बहुत सारे लोगों से पूछ सकते हो जो अच्छे लेवल पे हैं, जो अच्छे से एनालिटिक्स जो है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो सब लोग आपको ये चीज़ें बता देंगे, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब मोनेटाइजेशन ऑन कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। मोनेटाइजेशन ऑन ऐसे हुआ कि गाइस मैंने जो पहले 3 टिक होते हैं मोनेटाइज सेक्शन में, उसको मैंने पहले से ही ओके कर रखा था, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन होने वाला है। तो अचानक मैंने सडनली देखा कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिव्यू में चला जा चुका था। वो कैसे गया था कि मैंने अपने पहले तीनों जो क्लिक्स होते हैं, टिक्स होते हैं, उसको ओके करके रखा था। ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ये तीनों मैंने ओके करके रखा था, और जो चौथा जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ तो वो ऑटो चले गया। फिर उसके बाद जब मुझे मेल आया, तो मैं मेल देख रहा था, तो वहाँ मैं देखा तो पूरे मुझे पता चला कि इतने दिन में
अपना जो मोनेटाइजेशन है वो ओके हो गया है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो मोनेटाइजेशन ओके करना चाहते हैं उनका मोनेटाइजेशन ओके हो। कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आप कौन सी वीडियो बनाते हो कौन सा वीडियो नहीं बनाते हो, आप वॉच टाइम लेके आओ। मेरा जो आपको तीन चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मोनेटाइजेशन जल्दी मिलेगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो लंबी वीडियो बनाओ, लंबी लंबी वीडियो बनाओ, ठीक है, 23 मिनट, 25 मिनट, 26 मिनट, ऐसी वीडियो बनाओ लंबी लंबी, ठीक है, शुरू में ही लंबी वीडियो बनाओ, क्योंकि ये शुरू में ही आपको फायदा देगी, बाद में शॉर्ट वीडियोस बनाओ तब भी आपको फायदा मिलेगा। तो शुरू में लंबी लंबी वीडियोस बनाओ। दूसरा, खुद का कंटेंट बनाओ, खुद की चीज़ें डालो। हाँ, आपको जो सॉन्ग्स होते हैं या कुछ क्लिप्स होती हैं उनको कम से कम 15 सेकंड और 20 सेकंड से भी कम रखो। 30 सेकंड बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन 30 सेकंड मत मानो, क्योंकि YouTube कुछ समय अपनी मनमानी भी करता है और कॉपीराइट देता है, ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइन देता है। तो इसलिए आप किसी की मत मानो, आप 15 सेकंड से भी कम रखो, आधा का आधा कर दो अगर आपको यूज़ करना है तो, क्योंकि मैंने यूज़ किया था और मैंने संदीप महेश्वरी की कुछ क्लिप्स यूज़ किए थे जो 15 सेकंड से भी कम थे। आई थिंक वो नीचे में पड़ा है, बहुत नीचे वीडियो में है मेरे, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो वो भी मैंने यूज़ किया था, तब भी मेरा मोनेटाइजेशन ओके हुआ। तो जो, और जो तीसरी चीज़, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों की सलाह मांगने की ऑन YouTube, ठीक है, मतलब मानने की, मतलब मेरा मानने का मतलब ये कि वो बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जो चीज़ बहुत लोग बोल रहे हैं बस वो चीज़ को निकाल लो अलग से, ठीक है, वो चीज़ को मत करो। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर बंदा बोल रहा है कि ऐसे है ऐसे, नो मैटर उसके कितने सब्सक्राइबर हो, कितना बड़ा यूट्यूबर है, अगर वो पर्टिकुलर सिर्फ अलग से अकेले बोल रहा है आपको ये नहीं करने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि YouTube जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से करता है, अपनी मर्जी से गेम चेंज करता है और अपने मर्जी से गेम खेलता है, ठीक है। 1500 व्यू पे जब मुझे $2 मिल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर कंटेंट, डिपेंड ऑन योर चैनल। सो कीप 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 एंड कीप डूइंग, क्विट नहीं करना है, कीप डूइंग, यू विल अचीव वन डे, आई बिलीव ऑन यू। सो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हमारी वीडियोस आपके मोबाइल पे मिले और आपको हमारी वीडियोस कुछ वैल्यू दे सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।